दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनका नाम है गीतांजलि ओझा। उनका ब्लाउज का साइज है 38, ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच, ब्लाउज का कमर है 32 और ब्लाउज का स्लीव्स है, स्लीव्स का जो लंबाई है 6 इंच और मोहर दिया है उन्हें 12 इंच और उनको डबल कटेड ब्लाउज में काटिंग चाहिए। बहुत दिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। सॉरी मैम, मैंने बहुत लेट कर दिया क्योंकि देखिए मैं हर वीडियो पे बोलती हूँ, मैं अकेला सब कुछ करती हूँ जिसके कारण मुझे क्या होता है टाइम, जिसके कारण मैं टाइमली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ देने का हर किसी की रिक्वेस्ट के हिसाब से, लेकिन टाइमली देना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा लेट होता है। देखिए यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी, मैं जो ब्लाउज का साइज मेरे बॉडी के हिसाब से या मेरे बॉडी से थोड़ा कम होता है या थोड़ा ज्यादा होता है वो मैं अपनी साइज के हिसाब से फिटिंग्स कर लेती हूँ। फिटिंग्स करके मैं पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए फिटिंग्स कैसा हुआ है। लेकिन जो मेरे साइज से बहुत ज्यादा है, ज्यादा 35, 36, 37, वो तो मैं पहन नहीं सकती हूँ ना। और क्या होता है, किसी को कैमरे के सामने लाना पॉसिबल नहीं होता है, हर कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डाउट रहता है, खुद का ब्लाउज तो खुद कोई भी सिलाई कर लेते हैं लेकिन दूसरे का ब्लाउज जब सिलाई करके फिटिंग दिखाता है ना, वो होता है असली। आपका बात परफेक्ट है, लेकिन ये मेरा जो तजुर्बा है सिलाई का, ये 1-2 साल का नहीं है, ये बहुत साल पुराना है, लगभग 23 इयर्स का ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसी हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ। लगभग लगभग 2 साल या 3 साल हुआ है मैंने दूसरे का सिलाई छोड़ दिया, अभी भी करती हूँ, जो वीडियो में जरूरी होता है वही मैं सिर्फ लेती हूँ, अदर्स नहीं लेती हूँ। तो दूसरे का काम मैंने छोड़ दिया और दूसरे को मैं कोशिश करती हूँ कैमरे में लाने का, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है, वो लोग नहीं आते। फिर भी आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मैं कुछ लोगों को कोशिश करती हूँ ब्लाउज पहना के वीडियो के सामने लाने के लिए, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा ब्लाउज का फिटिंग्स कैसे होता है। देखिए ब्लाउज का काटिंग और सिलाई अगर सही तरीके से होता है ना, उस टाइम पे किसी भी के लिए भी कोई भी साइज का ब्लाउज हो, आपका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। आप में से ज्यादा लोग क्या करते हो, काटिंग देखते हो, सिलाई देखते ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलता है आप लोग सिलाई नहीं देखते हो। देखिए काटिंग का वीडियो जब डालती हूँ ना, तब लाखों यहाँ पे व्यू होता है, जब सिलाई का डालती हूँ तब 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 होता है। तो बाकी जितना लोग है वो उन लोगों ने सिलाई नहीं देखा, सिर्फ काटिंग देखा। तो सिर्फ आपने अगर काटिंग देखा, सिलाई मेरे मेथड पे नहीं देखा, उस टाइम पे आपका फिटिंग परफेक्ट कैसे होगा बोलिए। सिलाई करते टाइम ऐसे बहुत सारे बात है जो काटिंग करते वक्त समझाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए रिक्वेस्ट करते हूँ काटिंग के साथ साथ सिलाई का वीडियो जरूर देखिएगा। अगर सिलाई नहीं देखते हो ना, तब आपका जो ब्लाउज का फिटिंग है ना, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। और एक बात यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लाउज है ना, ये डबल कटेड ब्लाउज है, इसे फ्रंट पे देखिए भी नेक की तरह, ये बहुत सारा पुराना ब्लाउज है, मेरा थोड़ा भी टाइट हो गया है, अभी थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ, तो फिर भी यहाँ पे देखिए फिटिंग कितना अच्छा है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा भी की तरह है, फ्रंट है नॉर्मल तरीके से, आपको भी शेप नहीं देना है, फिर भी फ्रंट पे थोड़ा सा भी की तरह होगा, ये कैसे करना है और राउंड कैसे करना है, दोनों में एक साथ आज आपको समझा दूंगी। वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, तब देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लाउज है इसका फिटिंग्स भी आप लोग देख सकते हो, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे देखिए कितना अच्छा फिटिंग्स है, शोल्डर यहाँ पे गिरने का कोई भी चांस नहीं है, कितना ज्यादा डीप नेक है, डोरी भी नहीं है, फिर भी शोल्डर गिरने का कभी भी चांस नहीं रहता है, क्योंकि सिलाई में सही जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है, तब कभी भी आपका ब्लाउज का शोल्डर नहीं गिरेगा। तो फिर चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता, उम्मीद है आप लोग बहुत 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 अच्छे हो, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो किस तरीके से ब्लाउज कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा समझा दूंगी, वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, उस टाइम पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर चलिए, और टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने यहाँ पे पेपर लिया, आपको यहाँ पर डायरेक्ट फेब्रिक ले लेना है, फेब्रिक को इस तरीके से टू फोल्ड करना है, मैंने पेपर लिया जिसके कारण मैंने टू फोल्ड नहीं किया। ये बैक पार्ट होगा। अभी देखिए ब्लाउज का लंबाई उन्होंने दिया था 15 इंच, उन्होंने दिया था लंबाई 15 इंच, तो जितना दिया है ना उससे आपको 1 इंच ज्यादा लेना है। अगर सिलाई के बाद 15 होता है तो आपको 16 इंच यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई लेना है, लेकिन सिलाई मार्जिन छोड़ के अगर आपका 14 होता है उस टाइम पे आपको 15 इंच यहाँ पे लंबाई लेना है। देखिये इस साइज पे हर किसी का अलग अलग होता है, जिनका जितना हाइट है उसी हिसाब से लेना है। तो मैं यहाँ पे 16 इंच ब्लाउज का लंबाई रखूंगी, उन्होंने मेंशन नहीं किया था सिलाई के बाद या सिलाई से पहले। अब इसको सीधा मिलाना है, यहां से हमें शोल्डर देना है 5.5 इंच और वो रख दो 6 इंच, इस पे भी 5.5 इंच मिला लो। इसको बराबर मिलाने के लिए और एक मेजरमेंट यहाँ पे लेना है, इसको सीधा कर दो।
अभी चेस का फोर्थ भाग लेना है, उनका 38 है, तो 9 हाफ इस पे पहले निशाना लगा लेना है, उसके बाद यहाँ से 2 ही एक्स्ट्रा रख देना है। हो गया है, अभी आर्म होल की गोलाई देना है। बिल्कुल यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, यहाँ से नीचे की तरफ लेना है, इस साइड पे 0.25 इंच डाउन कर दो। यह मेजरमेंट का जरूरी नहीं होता है, फिर भी ज्यादातर लोग का दिक्कत होता है, जिसके कारण मैंने मेजरमेंट यहाँ पे समझा दिया। और यहाँ पे 1/2 इंच, अभी उन्होंने कमर का मेजरमेंट दिया था 32, उसी हिसाब से 8 से पहले निशाना लगा लो। फिर इसके साथ 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कमर पर टैक्स भी होगा, जिसके कारण आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी देखिए, नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ, टोटल जितना अपर चेस्ट होता है ना, उससे मैं 1/2 इंच कम लेती हूँ कमर के लिए। 11.5 इंच था तो 11 इंच पे लेती हूँ, 1/2 इंच में हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेती हूँ। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से दिया, मैं उस तरीके से उनको समझाऊंगी, उनका कमर थोड़ा कम है अपर चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे, अगर चाहो तो आप 11 इंच भी रख सकते हो, तब क्या होगा, कमर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्यादा होगा। अभी यहाँ से नेक का चौड़ाई 2 इंच रख देना है। नेक जीप उन्होंने नहीं दिया था, जिसके कारण मैं यहाँ पर टोटल 10 इंच पे रख दूंगी। इस साइड पे 3.5 इंच रख दो। हो गया है, यहाँ पर जरूर आपको डाउन करना है इस तरीके से, 150 यहाँ पर डाउन कर देना है। यहाँ से टक्स के लिए लेना है, 5.5 इंच पे रख दो। ऊपर की तरफ आप यहाँ पे 6 इंच रख दो, चाहो तो 6.5 भी दे सकते हो यहाँ पे। बैक पार्ट हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। जिप्स का चौड़ाई के लिए यहाँ से मेजरमेंट लेना है, टोटल यहाँ पे 9 इंच मिला है, जितना मिला है ना उससे 1 इंच ज्यादा लेना है, तो 10 इंच पे मैं जिप्स का चौड़ाई रखूंगी। जिप्स में बाद में काटूंगी, पहले मैं फ्रंट पार्ट काट लूंगी। उनको कॉटरी ब्लाउज चाहिए तो इसको इस तरीके से रखना है। अभी बैक पार्ट के हिसाब से पहले निशाना लगा लेना है। इसको हटा लेना है, यहाँ तक बैक पार्ट था, लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको पेपर पे समझा रही हूँ, सेम तरीके से आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे काट कर लेना है। अभी हमें फ्रंट नेक डिप लेना है, यहाँ पर अगर छोटा चाहिए तो 7 इंच रख दो, अगर थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 7.5 इंच रख दो। 7.5 इंच रखने से देखने में अच्छा लगता है। इसको पहले सीधा नीचे की तरफ मिला लो, इसको भी मिलाना है। नेक का चौड़ाई यहाँ पे रख दो, 2.5 इंच भी रख सकते हो, 2.75 भी रख सकते हो, अगर थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए तो 2.75 रख दो। अब इसको शेप देना है इस तरीके से, अगर आपको फ्रंट पे भी की तरह देना है, ऐसे फैला हुआ नहीं देना है, उस टाइम पे यहाँ से मिला लो इस तरीके से। जो आपको पसंद है आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ से शोल्डर से टोटल 2.5 पॉइंट रख दो, 12 इंच से 2 सूत कम, इतना तक सीधा ले लो। चाहो तो यहाँ पे अलग अलग भी ले सकते हो, पहले यहाँ पे 6 इंच, उसके बाद यहाँ पे 0.5 इंच, इस तरीके से भी ले सकते हो या डायरेक्ट भी ले सकते हो। ध्यान में रखना है, जितना आपका टोटल 2.5 पॉइंट है उससे आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कॉटरी ब्लाउज पे यही मेजरमेंट होता है, क्योंकि देखिए कॉटरी पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पार्ट पे सिलाई होता है, शोल्डर पे सिलाई होता है, मिडल पे सिलाई होता है, जिसके कारण आपको मिनिमम 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी इसको पहले सीधा कर लो, यहाँ से कटोरी के लिए लग दो। जितना आपका अपर चेस्ट है उसका यहाँ पे 10वां भाग लेना है, 38 था तो 3.8 पे निशाना लगा लो। फिर
फिर जितना मिला है ना सेम यहाँ पे आपको मेजरमेंट कर लो। अभी इसके साथ आपको क्या करना है, अगर आपको मेजरमेंट नहीं पता है उस टाइम पे सीधा 1 इंच एक्स्ट्रा रख दो, हो गया है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 8.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, 0.9 इंच यहाँ पे मैं रख दूंगी। चाहो तो यहाँ पे 9 इंच भी रख सकते हो, जितना मिला है ना उसको हाफ कर लो, ऊपर की तरफ उठा लो, 1 इंच से 2 सूच ज़्यादा, इससे भी ले लो 1 इंच से 2 सूच ज़्यादा, दोनों पॉइंट को मिला लो। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दबा के देना है, ज़्यादा यहाँ पे ऐसे नहीं रखना है। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, यहाँ से आप चाहो तो 5 इंच, 5.5 इंच या 6 इंच कहीं से भी आप ये मिला सकते हो। तो 5.5 इंच पे भी दे के दिखाऊंगी और 5 इंच पे लगा के भी दिखाऊंगी। ये हो गया 5 इंच। अभी यहाँ से अगर देना है तो ये होता है 5.5 इंच, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं 5 इंच पे रख दूंगी। फ्रंट के लिए शेप देना नहीं होता है, फिर भी ज्यादातर लोग बोलते हैं फ्रंट के शेप देके दिखाओ, लेकिन यहाँ पे हल्का सा लगा लो, जितना यहाँ पे होगा ना उतना यहाँ पे उठा के देना है, ध्यान में रखना जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे उठा के देना है, नहीं तो आपका आर्महोल पे लूजिंग होगा। पॉटरी पे देखिए, अगर किसी का फुल बस्ट बहुत हैवी है, उन्होंने कभी फुल बस्ट का मेजरमेंट नहीं दिया, जिसके कारण मैंने वो पॉटरी छोटा कर दिया। अगर आपका फुल बस्ट बहुत ही हैवी है उस टाइम पे आप 9 इंच यहाँ पे ले सकते हो। देखिए यहाँ तक ये हो गया है, अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। यहाँ पे क्या करना है, अगर आप पहले पेपर पे कटिंग करके उसके बाद ये जो पॉटरी पार्ट फेब्रिक पे वे कटिंग करना चाहते हो, उस टाइम पे इसको जैसे है बिल्कुल वैसे मिला देना है यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करना चाहते हो, कोई भी उरेब नहीं करना चाहते हो, उस टाइम पे यहाँ पे हल्का सा बाहर की तरफ लेना है, लगभग 3 सूत बाहर की तरफ लेके जाना है, तो अब देखिएगा फिटिंग्स कितना अच्छा होगा। आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे कीजिएगा। अभी यहाँ से देखिए 4 इंच लेने से बराबर हो जाते हैं, फिर भी आप चाहो तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है, बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, अंदर फैब्रिक ज्यादा रहना अच्छा है। इसको बराबर मिला दो यहाँ से 1/2 इंच, और जितना ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे उतना ही नीचे की तरफ लेके आना है। हो गया, यहाँ पे 0.25 इंच उठा देना है, इसको तिरछा कर दो ऐसे, हो गया। इसको भी हल्का सा बाहर की तरफ देना है, इसको मिला देना है, हो गया है कटोरी का पार्ट। अभी साइड पार्ट रह गया है, इसको क्या करना है, इसके लिए देखिए जो पार्ट है ना इसका मिडल पहले निकाल लो, मिडल से 1 इंच ऊपर की तरफ रख दो। अब इसको देखिए ऐसे सीधा नहीं करना है कभी भी, इसको तिरछा करना है, मिनिमम 1.5 इंच इसको तिरछा कर दो। इसके बाद भी ना इसका लंबाई ज्यादा होता है, बाद में कटिंग करना होता है। अभी बेल्ट के लिए क्या करना है, देखिए बैक पार्ट लेना है, इसके हिसाब से इसका चौड़ाई लेना है, ऐसे पहले हल्का सा ऐसे मिला दो, मिडल पे यहाँ पे देखिए 4 इंच है, लेकिन फ्रंट पे अगर अलग से कमर पट्टी नहीं सिलाई करना चाहते उस टाइम पे आप सीधा 5 इंच रख दो, नहीं तो 4 इंच से भी इसका बराबर हो जाता है। देखिए अगर आप न्यू होते हो ना उस टाइम पे मैं बोलूंगी आप बेल्ट का लंबाई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लंबाई है ना ये 4.5 इंच रख दीजिएगा, क्योंकि देखिए सिलाई करते वक्त अगर आपने कहीं पे दबा के ज्यादा सिलाई कर लिया ना उस टाइम पे लंबाई में फ्रंट का कम होगा, जिसके कारण अगर यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हो ना उस टाइम पे कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखिए 5 इंच थोड़ा सा कम कर लेती हूँ मैं, 4.25 इतना नहीं चाहिए इस तरीके से, और यहाँ से देखिए 4.5 थोड़ा सा उठा देती हूँ ऐसे। तो बेल्ट के लिए हो गया है और कुछ भी नहीं करना है, पूरा यहाँ पे ब्लाउज का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है, अभी हमें कट कर लेना है। इसमें हल्का तिरछा कर लो,
जिनको छोटा नेक चाहिए वो इसके हिसाब से काट कीजिएगा, जिनको थोड़ा फैला हुआ चाहिए वो इस तरीके से काट कीजिएगा। हो गया। अभी देखिए स्लीव्स के लिए मैंने पेपर को टू फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से जॉइंट साइड है, तो जॉइंट साइड से हमें लंबाई लेना है। उन्होंने लंबाई दिया था 6 इंच, तो इसके साथ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, तो 7 इंच पे यहाँ पे निशाना लगा लेना है। अब स्लीव्स का चौड़ाई लेना है, 9 इंच मुझे मिला था तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, टोटल 10 इंच पे निशाना देना है, इसको बराबर करना है। अब यहाँ से डाउन करना है, देखिए 4 इंच इसको तिरछा करना है, 2.5 इंच लेना है, मोहर के हल्का सा तिरछा कर देना है। हो गया है। फ्रंट के लिए जरूर आपको शेप देना है, फ्रंट शेप देने के बाद इसमें हल्का सा बराबर आपको मिला लेना है। हो गया है। इस पे काट ला के रख देना है, तो सिलाई करते टाइम आपको याद नहीं रहेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया सेम आपको फैब्रिक पर डायरेक्ट काट कर लेना है, कहीं पे कोई भी एक्स्ट्रा लेने का जरूरी नहीं है, जैसे ही बिल्कुल वैसे मैंने पेपर पे काटिंग किया, आप लोग यहाँ पे फैब्रिक रख देना डायरेक्ट और कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों किस तरीके से ये ब्लाउज कटिंग करना है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, और किस तरीके से ये ब्लाउज सिलाई करना है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे आपको इस ब्लाउज का लिंक मिल जाएगा। मैं दे दूंगी कैसे ये ब्लाउज सिलाई करना है स्टेप बाय स्टेप में पूरा दे दूंगी। यहाँ तक पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको टाटा।